अनिया का प्रॉब्लम ये है कि मेरी तरह वो भी डोमिनेटिंग है। अच्छा। और वो उसका रोल जो देखा मैंने, शुएब एक यानी पैसिव है और वो एक्टिव पार्टनर है। अच्छा। और उसने जो है वो शुएब का, चूँकि जो फैमिली बैकग्राउंड और जो उसका एक बिहेवियर और कंडक्ट रहा प्रीवियसली माजी में, वो शर्मीला और एक बड़ा चुप चुप उसको अब एक इंजन मिला ड्राइव करने के लिए। तो लेट्स सी कहाँ जाती है गाड़ी, हाउ इट मूव्स। और मुझे यकीन है कि दोनों बड़े सेंसिबल हैं। और सानिया का, चूंकि आपने जो उसकी बात की ना कि वो उसने कंट्राडिक्ट किया कुछ चीज़ों को, बेसिकली वहाँ सानिया मिर्ज़ा बनाने में उसके कुछ स्पॉन्सर्स हैं। हाँ। जिस तरह शुएब के, तो इसलिए वो चेंज नहीं हो जाए। और वो आप जब किसी के ब्रांडेड होते हो, तो ब्रांडेड होते हो, पहले आपका वो सब कुछ उसको इंडिया ने दिया ना, राइट। और वो इंडिया के लिए खेल के सानिया मिर्ज़ा बनी, तो आप कैसे तवक्को करेंगे वो पाकिस्तान के लिए एकदम से। बिल्कुल नहीं कहा, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया ये लोगों ने उससे। मुमकिन नहीं है ना, मुमकिन नहीं है। एक शख्स जिस जहाँ से उसको शनाख्त मिलती है, अपनी आइडेंटिटी को कैसे छोड़ देना, ठीक। तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये शुएब की असाइनमेंट है कि वो किस तरह का उससे मोहब्बत और तवज्जो और लेट्स सी, और हमारी उसको कन्विंस कर ले कि भाई हम वो उसके ज़्यादा हकदार हैं। नेक ख्वाहिशात हमारी उस कपल के साथ हैं, जहाँ भी रहें आप, चाहे मुल्क में नहीं, मुल्क से बाहर, दुनिया के किसी भी जगह पर, खुदा करके आप लोग खुश रहें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। आपने कहा आप म्यूज़िक नहीं सुनती, लेकिन आपने वो गाना ज़रूर सुना होगा, मुंडिया सियालकोटिया। बिल्कुल सुना, सुना अच्छा लगता है। आज अगर ज़रा मुंडिया सियालकोटिया और जज आते जाते, मुंडिया सियालकोटिया मैं उस पर मेरा तो चूँकि कुड़िये सियालकोटी होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गाना तो आप मुंडे के लिए ही गा सकती है ना, कुड़ियों के लिए गाना चाहे तो कुड़ियों के लिए भी गा रहे हैं। सियालकोट के सारे लोगों के नाम, उन्हीं सारे लोगों के नाम जिन्होंने आपको वोट दिए, हो जाए आखिर में कुछ उसमें। मैं सिर्फ उनको ये कहूँगी कि ना गा के कहना है, ये तो टास्क डिफरेंट है ना, ये कोई करंट अफेयर्स का शो थोड़ी है। वो तेरे मुखड़े पे काला काला तिले, मैं तो एक चॉइस दे रही हूँ, कुछ और जो गाना चाहें सियालकोट के लोगों के लिए, उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने आप ठप्पा लगा मुझे सॉरी हो। नहीं नहीं, मैं आपके हलके के लिए बात कर रही हूँ। मेरे हलके वाले मेरे मुंह से गाना नहीं सुनना चाहेंगे। अरे पूरा पाकिस्तान, ये क्या बात हुई, इतना मजा आएगा लोगों को, लोग बताएंगे। सुनो रिपीट जरूर देखना, आज पता है डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में गाना गाया था। हाँ, और वो साथ कहेंगे कि ये इसका दिमाग खराब हो गया, नहीं इसको किसी पागल खाने में लेके जाओ या चैनल्स पे गाने गाने लग गए। वो तो नहीं नहीं, ये तो लोग तो हैं ही, बातें बनाने के लिए बनाते रहेंगे उसके लिए। फिर मुझे फाउंटेन हाउस में को बेड ले देना, ताकि फिर मैं हल्के में नहीं जा सकूंगी। थोड़ा मोड़ा भी नहीं गई, अपने मियां के लिए गा दें यार, ऐसी क्या बात है। देखें इतना मुश्किल सवाल किया है कि आज डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान के पास जवाब नहीं है। वो खातून जो हर टेलीविजन चैनल में बैठ के हर किस्म का जवाब दे सकती है। यहाँ मैं अपनी शिकस्त मानती हूँ। हाय, आई लव यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और आई एम श्योर आज लोगों ने आपको एक मुख्तलिफ रूप में देखा है, मुख्तलिफ बोलते हुए देखा, वही उन्होंने इन्जॉय किया होगा अपनी आज की सुबह का। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हम अच्छे गेस्ट लाते रहेंगे, मुख्तलिफ बातें करते रहेंगे और आपकी मॉर्निंग्स को और अच्छा बनाते रहेंगे। सो इट्स गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग।